हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, मींस के यूजर का डाटा हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। ओके, पहले तो कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कैसे हम लोग ये चीज कर सकते हैं। देखो, ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ओके, जिसके अंदर मेरे पास कुछ फील्ड्स है, जैसे नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड, जेंडर के लिए हम लोग रेडियो बटन्स का यूज कर लेंगे, ओके, एंड देन फॉर एग्जाम्पल सिटी के लिए हम लोग ड्रॉप डाउन बॉक्स यूज कर लेंगे, ओके? और ये मेरे पास आ जाएगा रजिस्टर बटन, ओके? जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यूज फिल करता हूँ, रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही वो क्या काम करेगा? हाँ जी, डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर देगा, ओके? तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज डेटाबेस, जो हम लोग MySQL डेटाबेस यूज करेंगे, ओके? ठीक है, अब ये काम करना कैसे वो चीज समझ लेते हैं। देखो, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है डेट इज रजिस्टर डॉट जेएसपी पेज, ओके? तो रजिस्टर डॉट जेएसपी पेज हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ये मेरे पास MySQL डेटाबेस है, इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या काम करूंगा, एक रजिस्टर नेम से टेबल क्रिएट कर दूंगा, जिसके अंदर मेरे पास यहां पर 5 कॉलम्स आ जाएंगे, डेट इज नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर एंड सिटी, ओके? तो ये मेरे पास यहां पर 5 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे, ओके? अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक सर्वलेट पेज क्रिएट करेंगे, ओके? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कर दिया है डेट इज रजिस्टर डॉट जावा, ओके? ये मेरे पास क्या है, ये रहेगा सर्वलेट पेज, ओके? ठीक है, अब सर्वलेट पेज के अंदर सबसे पहले, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप में क्या काम करूंगा, वैल्यूज को जेएसपी पेज से गेट करवाऊंगा। हाँ जी, हम लोग क्या काम करेंगे, डेट इज गेट वैल्यूज फ्रॉम जेएसपी पेजेस से हम लोग वैल्यूज को गेट करवाएंगे। कैसे गेट करवाएंगे, डेट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू वैल्यूज को गेट करवाएंगे, ओके? आप लोगों ने देखा होगा सर्वलेट के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को गेट करवा लेंगे, ओके? ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या पार्ट आ जाएगा, हम लोग डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ओके? डेटाबेस कनेक्शन, डेट इज ट्राई कैच लगाकर हम लोग क्लास डॉट फॉर नेम एंड कनेक्शन वाला जो स्टेटमेंट होती है वो चीज प्रोवाइड कर देंगे, ओके? देन थर्ड हम लोग क्या काम करेंगे, इंसर्ट क्यूरी। हाँ जी, हम लोग क्या काम करेंगे, इंसर्ट वाली क्यूरी लगाएंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू, जिससे हमारे पास सारा का सारा डेटा यहां पर स्टोर हो जाएगा, ओके? एंड फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोवाइड रिस्पॉन्स, ओके? हम लोग रिस्पॉन्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर देंगे, किसके थ्रू, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू। पॉइंट क्लियर है चीज, तो ध्यान रखना है यहां पर आप लोगों को। देखो, गेट वैल्यूज फ्रॉम जेएसपी, जेएसपी पेज से अगर आप लोगों को वैल्यूज गेट करवानी है, क्योंकि जो भी डाटा रहेगा वो हमारा किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, दैट इज एन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नेम, देन ईमेल की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डाटा स्टोर होगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, देन जेंडर, देन सिटी, इस टाइप से की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डाटा स्टोर होगा। तो जब भी मैं वैल्यूज को गेट करवाऊंगा कैसे करेंगे हम लोग, हाँ जी, डेट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो हम लोग यहां पर क्या काम करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ओके? और फिर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देंगे। देन डेटाबेस कनेक्शन, हाँ जी, डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग क्या पार्ट यूज करेंगे, डेट इज क्लास डॉट फॉर नेम, एंड देन हमारे पास आ जाएगा कनेक्शन वाली स्टेटमेंट, डेट इज कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ओके? ठीक है, देन हमारे पास क्या है, इंसर्ट क्यूरी, जिसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, डेट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल्स टू कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एंड एट लास्ट हम लोग रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं डेट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर का हम लोग यूज करेंगे, ओके? ठीक है, अब ये चारों स्टेप्स एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं किस टाइप से हम लोग यूजर का डाटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ओके? तो देखो, तो यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर देता हूं और जल्दी से एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ओके? डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आप लोगों को चूज करना है,
देन प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी पार्ट आप प्रोवाइड कर दो, रजिस्टर लॉगिन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लॉगिन वाला पार्ट भी करेंगे। ओके नेक्स्ट एंड देन डायरेक्टली फिनिश हम लोग यहां पर कर देते हैं। ओके ठीक है, अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं, वेब ऐप फोल्डर के अंदर एक रजिस्टर डॉट जेएसपी हम लोग यहां पर एक जेएसपी फाइल क्रिएट कर देते हैं। इसका नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज रजिस्टर के नेम से। ओके और इसके अंदर हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। ओके तो फॉर्म के अंदर यहां पर मैं सबसे पहले तो लिख देता हूं डेट इज नेम, और फिर मैं यहां पर क्रिएट कर देता हूं डेट इज इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू नेम वन मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके ठीक है, मैं यहां पर दो बार ब्रेक टैग भी प्रोवाइड कर देता हूं, और अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं सेकंड पार्ट पर। मेरे पास क्या आ जाएगा डेट इज ईमेल, और इस फील्ड का नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज ईमेल वन। देन हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड, इनपुट टाइप मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं पासवर्ड, एंड नेम इसका मैं प्रोवाइड कर देता हूं पास वन। ओके देन मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज जेंडर, जेंडर के केस में हम लोग यहां पर यूज करेंगे डेट इज इनपुट टाइप रेडियो, हाँ जी हम लोग यहां पर रेडियो बटन का यूज करेंगे, एंड नेम मैं इसका प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज जेंडर वन। देन यहां पर मैंने लिख दिया मेल, एंड अगेन हमारे पास आ जाएगा डेट इज इनपुट टाइप रेडियो, एंड देन नेम इक्वल्स टू जेंडर वन। ओके ठीक है, देन यहां पर हम लोग ब्रेक टैग प्रोवाइड कर देते हैं, एंड एट लास्ट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज सिटी, सिटी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सेलेक्ट वाला टैग। ओके जिसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर डेट इज ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन मैं लगा देता हूँ डेट इज सेलेक्ट सिटी, एंड देन हम लोग कुछ सिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, देन पुणे, देन बेंगलोर, तो इस टाइप से हम लोग कुछ सिटीज इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके एंड अगेन हम लोग यहां पर ब्रेक टैग प्रोवाइड कर देते हैं, एंड एट लास्ट मैं यहां पर क्रिएट कर दूंगा डेट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, मैं यहां पर एक सबमिट बटन क्रिएट कर दूंगा जिसकी वैल्यू मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज रजिस्टर। ओके ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या काम कर दिया, एक फॉर्म जो है वो चीज क्रिएट कर दिया, और यहां पर अब हम लोग दो चीजें प्रोवाइड करेंगे डेट इज एक्शन एंड मेथड। मेथड के अंदर हम लोग गेट या पोस्ट यूज कर सकते हैं, हम लोग पोस्ट यूज करेंगे ताकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो चीज अचीव हो जाए। ओके तो गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ट्यूटोरियल्स के अंदर। देन हमारे पास आ जाएगा एक्शन, एक्शन के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं डेट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो सिंपल मैंने आरईजी फॉर्म एक्शन नेम प्रोवाइड कर दिया। ओके ठीक है जी, अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक सर्वलेट पेज क्रिएट कर देते हैं। तो एसआरसी मेन जावा के अंदर यहां पर मैं सिंपल एक क्लास क्रिएट कर देता हूं, किसके नेम से डेट इज रजिस्टर के नेम से। पैकेज हम लोग यहां पर क्रिएट कर देते हैं डेट इज इन डॉट एस पी डॉट बैकेंड के नेम से, कोई भी पैकेज नेम हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ओके और यहां पर मैं क्या काम कर देता हूं, एक्सटेंस में यहां पर कर देता हूं डेट इज एच टी टी पी सर्वलेट, तो सर्वलेट हम लोगों ने यहां पर एक्सटेंड करवा दिया, और यहां पर मैं एक एनोटेशन का यूज कर लेता हूं डेट इज वेब सर्वलेट के नेम से, जिसके अंदर यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज आर ई जी फॉर्म, जो मैंने यहां पर एक्शन के अंदर नेम प्रोवाइड किया था वही नेम हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ओके ठीक है, और यहां पर मैं डू पोस्ट मेथड ओवरराइड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर पोस्ट मेथड का यूज किया है। ओके और मैं इसको प्रॉपरली अलाइन कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या पार्ट आ गया है, डेट इज डू पोस्ट मेथड आ चुका है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर जो भी हम लोगों ने नेम्स प्रोवाइड किए हुए यहां से हम लोग वैल्यूज को गेट करवाएंगे। ओके जो भी यूजर इनके अंदर डिटेल्स प्रोवाइड करेगा वो हम लोग गेट करवाएंगे। मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूं आप लोगों को, तो ये देखो ये यहां पर रन हो गया, तो ये देखो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो चुका है।
जिसके अंदर ये जो फील्ड है इसका नेम क्या है हमारे पास, डेट इज नेम वन। हाँ जी, इसका नेम क्या है, डेट इज नेम वन। सेकंड वाले का नेम क्या है, हाँ जी डेट इज, इस वाले टेक्स्ट फील्ड का नेम क्या है हमारे पास, डेट इज ईमेल वन। ओके, तो जो भी यूजर डिटेल्स अपनी फिल करेगा यहां पर, हम लोग वो सारी की सारी डिटेल्स रिट्रीव करवाएंगे कहां पर, रजिस्टर डॉट जावा पेज पर। किसके थ्रू, बाय यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं सिंपल है यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज नेम वन। तो मैंने यहां से इस वाली टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू को रिट्रीव करवा दिया यहां पर। ओके, ठीक है। और अब मैं इसको किसी भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर वेरिएबल का नेम प्रोवाइड कर दिया, माई नेम। ओके, ठीक है। सिमिलरली मैं यहां पर ईमेल भी गेट करवा देता हूं, डेट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ईमेल वन नेम प्रोवाइड कर दिया, देन माई जेंडर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज जेंडर वन। जेंडर वन से पहले हम लोगों को पासवर्ड भी गेट करवाना है, तो माई पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पास वन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एंड एट लास्ट हम लोग यहां पर सिटी गेट करवा देंगे, तो माई सिटी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहां पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज सिटी वन। ओके, तो चेक कर लो क्या यहां पर सारी जगह पर नेम वन, ईमेल वन, पास वन, जेंडर वन। अच्छा, सिटी वन तो मैंने प्रोवाइड किया ही नहीं है, तो यहां पर आप लोगों को सिटी वन भी प्रोवाइड करना है ताकि वो यहां से वैल्यू को रिट्रीव कर सके। ओके, तो नेम्स जो है वो चीज करेक्ट होने चाहिए, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप के, हम लोगों ने रिक्वेस्ट के थ्रू सारी की सारी वैल्यूज गेट करवा दी। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर ट्राई कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर देता हूं, एंड कैच ब्लॉक के अंदर मैं एक्सेप्शन को प्रिंट करवा देता हूं, और यहां पर मैं प्रोवाइड करता हूं डेट इज क्लास डॉट फॉर नेम देन कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, मैंने यहां पर ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो जब भी हम लोग यहां पर ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को जार फाइल ऐड करवानी होती है। ओके, तो कैसे डाउनलोड करेंगे हम लोग, सिंपल है। मैं यहां पर जाकर क्या चीज कर देता हूं, डेट इज माई सीक्वल एट कनेक्टर जार डाउनलोड। सिंपली यहां पर आप लोगों को जार फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास जार फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके, तो ये हमारे पास जार फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ओके, अब सिंपली मैं यहां पर जाकर क्या काम कर देता हूं, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ देन कन्फिगर बिल्ड पाथ देन यहां पर क्लास पाथ के अंदर एड एक्सटर्नल जार्स, मैं यहां पर एक्सटर्नल जार फाइल एड करवा सकता हूं। ये रही, बट मैंने अभी डाउनलोड भी की थी, तो हम लोग इसी को यहां पर सेलेक्ट करके ऐड करवा देते हैं। ओके, तो हमारे पास यहां पर जार फाइल जो है वो चीज ऐड हो चुकी है। ओके, ध्यान रखना। देन हम लोग यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, हम लोग यहां पर कनेक्शन जो है वो चीज क्रिएट कर देंगे। तो यहां पर क्या चीज आ जाएगा, डेट इज यू आर एल जेडीबीसी कॉलन माई सीक्वल कॉलन स्लैश देन लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश देन डेटाबेस नेम, मैं यहां पर कर देता हूं yt youtube/demo। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डेटाबेस नेम हो गया है। मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं यहां पर माई सीक्वल डेटाबेस ओपन करके, जिसका पासवर्ड है रूट, मैं यहां पर सिंपली एक डेटाबेस क्रिएट कर दूंगा, डेट इज क्रिएट डेटाबेस yt_demo। तो मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, अब मैं उस डेटाबेस को यूज कर दूंगा, दैट्स इट। तो हमारे पास सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और कनेक्शन जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल्स टू कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहां पर मैं इंसर्ट वाली क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इंसर्ट इनटू रजिस्टर, रजिस्टर हमारे पास क्या है, टेबल का नेम।
तो इंसर्ट इनटू रजिस्टर टेबल देन वैल्यूज, कितने वैल्यूज है हमारे पास, 5 वैल्यूज हैं, तो मैं यहां पर 5 क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड कर दूंगा। इनको हम लोग बोलते हैं डेट इज पोजिशनल पैरामीटर्स। ओके ठीक है, तो अब सबसे पहले नेक्स्ट काम में क्या काम करता हूँ, रजिस्टर टेबल क्रिएट कर देता हूँ। कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए क्यूरी क्या होती है, डेट इज क्रिएट टेबल रजिस्टर, और यहाँ पर मैं सिंपली कॉलम्स के नेम प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे नेम वेर कैर 100। यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, नेम क्या है हमारे पास, कॉलम का नेम, वेर कैर हमारे पास क्या है, डेट इज डेटा टाइप। ओके मैं इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखता हूँ, जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है ना मैं उसको अपर केस में लिखता हूँ। तो ये देखो, क्रिएट टेबल रजिस्टर, क्रिएट टेबल, ये दोनों प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। ओके देन हमारे पास क्या, नेम कॉलम का नेम, देन वेर कैर प्री डिफाइंड कीवर्ड, और मैंने उसका साइज प्रोवाइड कर दिया। ओके तो नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड, जेंडर वेर कैर 100, एंड देन एट लास्ट सिटी वेर कैर 100। तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम्स के नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन साइज, इस टाइप से हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ओके ये चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ओके तो सिंपल मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जैसे डिस्क्राइब मैं अगर यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, तो ये देखो हमारे पास इसके अंदर ये सारे कॉलम्स है, ये इनके डेटा टाइप्स एंड साइज आ गए। ओके और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, तो चेक करो ये बोल देगा एम्प्टी सेट, क्योंकि अभी रजिस्टर टेबल के अंदर वैल्यू नहीं है। ओके तो हमारे पास टेबल जो है वो चीज क्रिएट हो चुका है, पोजिशनल पैरामीटर्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए, और अब इन पोजिशनल पैरामीटर्स की वैल्यूज हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज, तो सिंपली मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड करूंगा, डेट इज पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, फर्स्ट पोजिशन पर मैं क्या चीज इंसर्ट करवाऊंगा, डेट इज माई नेम, देन पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड पोजिशन पर क्या आ जाएगा, माई ईमेल। ये वाले जो वेरिएबल्स के नेम है, जहां से मैंने वैल्यूज को, जो भी यूजर ने वैल्यूज प्रोवाइड की थी वो मैंने इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाई थी, वही वेरिएबल्स के नेम हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके तो पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, थर्ड पोजिशन पर आ जाएगा माई पास, देन पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, फोर्थ पोजिशन पर आ जाएगा माई जेंडर, एंड पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, फिफ्थ पोजीशन पर आ जाएगा माई सिटी। ओके ठीक है, और अब मैं सिंपली यहां पर क्या काम कर दूंगा, पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, मैं यहां पर एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज करूंगा, जो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा, ध्यान रखना। ओके तो मैं इंटीजर में उसको स्टोर करवा देता हूं, और मैं चेक कर लेता हूं क्या काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन जीरो है, डेट मीन्स के सक्सेसफुली वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गई हैं, अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे वैल्यूज इंसर्ट नहीं हुई, एरर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ओके तो सिंपल हम लोग यहां पर क्या काम कर देते हैं, आउटपुट जो है वो चीज प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब रिस्पॉन्स हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स के लिए हम लोग किस चीज का यूज कर लेते हैं यहां पर, दैट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। तो सिंपली मैं यहां पर क्या काम करूंगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर डी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। हम लोग यहां पर क्या काम करेंगे, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट डिस्पैचर का रेफरेंस गेट करवा देंगे, और यहां पर मैं पेज का नेम प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज रजिस्टर डॉट जे एस पी। ओके क्यों, रजिस्टर डॉट जे एस पी पेज को ही ओपन कर देगा, बट हम लोग एक काम और करेंगे यहां पर, हाँ जी यहां पर हम लोग मैसेज भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके पहले तो आप यहां पर कर दो डेट इज आर डी डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर देंगे, और मैं यहां पर रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, मैं यहां पर यूज करूंगा सेट कॉन्टेंट टाइप डेट इज टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, और इसके बाद सिंपली मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज आउट डॉट प्रिंट H3 टैग हम लोग प्रोवाइड करके, डबल कोट्स के अंदर ध्यान रखना, डबल कोट्स के अंदर हम लोग H3 टैग प्रोवाइड कर देंगे, और मैं यहां पर सक्सेस मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा कि यूजर रजिस्टर्ड
सक्सेसफुली, यूजर जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। एंड H3 टैग के अंदर मैं यहाँ पर साथ के साथ स्टाइल के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज कलर कॉलन ग्रीन, ओके, ताकि वो ग्रीन कलर में आउटपुट जो है वो चीज़ डिस्प्ले करवाए, ठीक है। बट यहाँ पर आउट के लिए वो एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर आउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, मैं यहाँ पर आउट का ऑब्जेक्ट गेट करवा दूंगा, ओके। सिमिलरली हम लोग इसी पार्ट को कॉपी करके यहाँ पर else पार्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ डेट इज यूजर नॉट रजिस्टर्ड ड्यू टू सम एरर, ओके। साथ के साथ मैं इसका कलर यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज रेड, ओके। एंड एट लास्ट मैं कैच ब्लॉक के अंदर भी एरर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यही सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स इट, क्लियर है चीज। तो अगर यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, अगर वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगी तो बोल देगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड वापस रजिस्टर पेज पर ही वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो यहाँ पर क्या काम करेगा, एरर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। एक्सेप्शन भी अगर हमारे पास आती है तो वो भी ये यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, ओके। अब चाहो तो एक्सेप्शन यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस टाइप से यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो चीज़ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, डेट इज ई डॉट गेट मैसेज, हम लोग यहाँ पर सिंपली मैसेज प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट इज एक्सेप्शन अकर्ड, हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन अकर्ड एरर प्रोवाइड कर देंगे और मैसेज हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के लिए कुछ मैनुअली एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटाबेस नेम गलत है, ओके। तो अब देखो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, दोबारा से रन किया मैंने, मैं यहाँ पर जाकर दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर नेम, कुछ भी नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे दीपक, देन ईमेल आईडी deepak@gmail.com, पासवर्ड deepak123, मेल सेलेक्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया होगा, ये देखो, ओके। तो यहाँ पर आप लोग प्रोवाइड कर देना डेट इज फीमेल, साथ के साथ यहाँ पर आप वैल्यू भी प्रोवाइड करना है, क्लियर है चीज। तो वैल्यू मेल जरूर प्रोवाइड कर देना और यहाँ पर भी वैल्यू आप लोग प्रोवाइड कर देना डेट इज फीमेल, क्लियर है चीज। तो एक बार और आप यहाँ पर रन करो और यहाँ पर जाकर पेज को रिफ्रेश कर दो। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया deepak123, मेल एंड फीमेल, मेल सेलेक्ट कर दिया, सिटी मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर दिया एंड रजिस्टर पर जब मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखो एक्सेप्शन अकर्ड com.mysql.cj.jdbc.driver। अच्छा ये बोल रहा है कि इसको जार फाइल नहीं मिली, ये तो इसने कुछ और एरर प्रोवाइड कर दी है, क्या एरर है ये, यहाँ पर जाकर हम लोग चेक करके देखते हैं। मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ एक बार इसको और यहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर जार फाइल जो है वो वैसे तो यहाँ पर आई हुई है, बट आप एक काम और करो, मैं यहाँ पर वेब ऐप के अंदर वेब INF फोल्डर के अंदर एक मेरे पास लिब नेम का फोल्डर है, तो मैं सिंपली क्या काम कर देता हूँ, माई कनेक्टर जार फाइल को कॉपी करके मैं इसके अंदर भी पेस्ट कर सकता हूँ, ओके। तो ये लो जी मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया है, अब आप दोबारा से यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवा दो। तो ये देखो मैंने रन किया, देन ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पर बैक करके मैं सिंपली रिफ्रेश कर देता हूँ, पासवर्ड मैं प्रोवाइड कर देता हूँ deepak123, देन रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो अब की बार चेक करते हैं, ये देखो ये क्या बोल रहा है, डेट इज एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, ये देखो पासवर्ड, मैंने पासवर्ड भी प्रोवाइड नहीं किया, ओके। चेक करके देखें हम लोग यहाँ पर, ये देखो मैंने पासवर्ड तो प्रोवाइड किया ही नहीं है, तो यूजर नेम आएगा रूट एंड पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा रूट, ओके। बट अभी भी डेटाबेस नेम गलत है, ध्यान रखना, ठीक है, देख रहे हो कितनी एरर हो गई। चलो मैं दोबारा से इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं पेज को बैक करके रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से मैंने यहाँ पर deepak123 प्रोवाइड किया, रजिस्टर बटन पर क्लिक किया,
तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, दैट इज अननोन डेटाबेस दिस वन। तो डेटाबेस भी उसको नहीं मिला, मैं यहां पर yt डेटाबेस नेम हम लोगों ने क्या बनाया था, दैट इज yt डेमो, yt अंडरस्कोर डेमो। तो ये था हमारे पास डेटाबेस नेम। ओके, अब दोबारा से अगेन आप यहां पर रन करो और यहां पर जाकर आप बैक करके दोबारा से रिफ्रेश करके यहां पर जाकर आप प्रोवाइड करो कुछ भी पासवर्ड, देन रजिस्टर बटन पर क्लिक किया मैंने। तो ये देखो अब की बार वो बोल रहा है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहां पर जाकर अगर हम लोग चेक करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, तो ये देखो हमारे पास यहां पर यूजर जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अगर मैं यहां पर कोई दूसरा यूजर प्रोवाइड करता हूं जैसे राहुल, rahul@gmail.com, rahul123, देन मेल मैंने सेलेक्ट किया, यहां पर सिटी मैंने मुंबई सेलेक्ट कर दिया है, रजिस्टर पर क्लिक किया, तो अगेन वो बोल रहा है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहां पर जाओ चेक करो जरा, तो ये देखो यहां पर दूसरी वैल्यू भी हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है। तो जैसे जैसे यूजर रजिस्टर होते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज हमारे पास यहां पर डेटाबेस के अंदर एक न्यू रो क्रिएट होती जाएगी और यूजर रजिस्टर होते रहेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो इस टाइप से सिंपली हम लोग यूजर को रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, मैं चाहूं तो यहां पर इस पार्ट को एक अलग से मेथड के अंदर भी प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकंड थिंग, हम लोग यहां पर सिंपल वैलिडेशन लगा सकते हैं जैसे इफ एल्स करके मैं सिंपली यहां पर चेक करवा सकता हूं क्या नेम मेरा एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो सिंपली मैं इफ एल्स कंडीशन लगाकर भी, इफ एल्स इफ कंडीशन लगाकर मैं यहां पर सिंपल वैलिडेशंस भी प्रोवाइड कर सकता हूं। ओके, तो ये वाला पार्ट एक बार आप लोगों को ट्राई करना है, यूजर रजिस्टर हम लोग किस टाइप से करते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।